Hello students. Assalamu alaikum. Today we are here with another important story from class 10. And this is the servant. And it's written by ST simeonov Okay. So let's go to the introduction of this uh, story and let's try to. Uh, talk about the writer of this story. So, Sir J. Tarantievich Semenov, in other words, S. T. Semenov, is known as one of the greatest realistic fiction writers of Russia. Dear students, his stories mostly deal with the famine and disease brought on by the Russian Civil War of 1918 to 1920, which ended with the rise of Marxist society in Russia. Students, The Servant is a semi autobiographical story based on Semenov's own struggle. Find old jobs in an attempt to crawl out of poverty. So, in this story, Jerusalem is in the lead role, who stands as the symbol of empathy, magnanimity, and absolute gentle nature. He is an adorable person who prefers to suffer. Without work and livelihood, in order to ensure that the elderly couple in the story stays happy without dislocation from the decades old assignment and shelter in Moscow. In contrast to the role of Gerasim, we have another character in this story who is known as Yagor Kanelich. He is a coachman, he is Gerasim's friend. Who seems to be a good worker? Bossy, gets people in trouble, steals things from his boss, and acts carelessly to see people fired from the jobs and manages favors of his master by doping him through his gillip tongue. Okay? So this is the summary of the text before. गो so, through the lines, I want to give briefly the outline in your friendly language. Let me try it in Urdu. ये जो कहानी है इस कहानी में दो अहम किरदार हैं एक है जरासिम दूसरा है उसका दोस्त येगोर डेनलिच, जो इस कहानी में बहसीत एक कोचमैन जाना जाता है कहानी के शुरू में हमें पता चलता है कि जरेसिम एक ऐसा लड़का है जो बचपन से ही एक बोटल वॉशर का काम करता था मॉस्को में और बहुत सारे लोअर सर्वेंट वगैरह के काम उसने किए हैं सिटी में लेकिन बाद में उसको अपने गांव में वापस कॉल किया गया था ताकि उसको मिलिट्री में भर्ती किया जाए लेकिन कुछ वजूहत के बिना पे उसको सेलेक्ट नहीं किया गया तो जरासिम जो कि गाँव की ज़िंदगी पसंद नहीं करता था सारी ज़िंदगी उसने शहर में गुजारी थी तो वो वापस श्री शहर की तरफ रुख करता है वहाँ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ रहता है काम की तलाश में निकलता है लेकिन बिल्कुल उसे काम नहीं मिलता पुराने अपने मालिक के पास जाता है तो उसने ऑलरेडी किसी बंदे को रखा है इसको नहीं लेता तो बेचारा जरासिम मारा मारा फिरता है कि उसे कहीं काम मिले नहीं मिलता है तो अल्टीमेटली उसे याद आती है एक दोस्त की जिसका नाम होता है येगोर डैनल जिसकी मैंने बात की तो बहर जरासिम उसके पास चला जाता है उससे कहता है कि भाई मेरी मेरी मेरे साथ ये मसला है काम नहीं है मेरे पास भूखा हूँ प्यासा हूँ घर नहीं है कुछ नहीं है तो बहरहाल यग और पहले अपनी बहुत सारी तारीफ़ करता है और ये कहता है कि मैं अगर भी मैं भी अगर घर चला जाऊँ तो मेरा मालिक किसी और को नहीं रखेगा वो मुझे इतना चाहता है तो आपको ऐसे क्यों हुआ तो थोड़ा बहुत लुक डाउन करता है जरासिम को लेकिन अल्टीमेटली वो जरासिम के साथ प्रॉमिस करता है कि मैं आपको जॉब यहाँ पर दिला दूँगा तो यहाँ से ये अगर डेनलिच जो है वो पॉइजन कर देता है अपने मालिक शराफ को उसके कानों को और एक मैनेज ही प्लॉट्स एक साजिश के तहत बड़ी चालाकी के साथ उसके घर में जो शराफ़ के घर में दो बूढ़े बुजुर्ग नौकर होते हैं तो वो उनको घर से पॉलीकॉर्पिच और उसकी मिसेस उनको घर से निकलवाने की साजिश करा देता है और उन उनकी जगह पे वो जरासिम को उस घर में फिट करवाना चाहता है एज सर्वेंट तो अगले दिन जब जरासिम आता है तो ये गौर उसको बोलता है कि आपको जॉब मिल गया है इस तरह ये दो लोगों का तो ये गौर जरासिम बड़ा खुश होता है कि उसे जॉब मिल गया। जाते जाते उससे बड़ा दिल चाहता है वो ईगर हो जाता है बेकरार होता है कि मैं अपना नया जो यहाँ पे शेल्टर मुझे मिला है जो मेरा छोटा सा कमरा या जो हट मुझे दी गई है रहने के लिए और जो मेरा काम है मैं ज़रा उस हट को देखूँ जहाँ मुझे यहाँ इस घर में रहना है एज़ जब मैं यहाँ पे काम शुरू करूँ तो चुपके से जब वो चलाता है वो चला जाता है तो खिड़की से वो अंदर से उसको थोड़ा सा रोने की सिसकने की आवाज़ आती है और रुकता है तो अंदर से दो लोग यानी पॉली कॉर्पेज उसकी जो मिसेस है वो बात करते हैं वो बहुत रोते हैं और कहते हैं कि हम इस बुढ़ापे में आप बीक भी नहीं मांग सकते कहाँ जाएं इस मालिक ने हमें जो ये गौर डेललिच है उसके कहने पर घर से निकाल दिया जबकि ये गौर जो है खुद चोर है मालिक को धोखा देता है सब कुछ तो पॉलीकॉर्पिज की बीवी उसको बोलते हैं पॉलिकॉर्पिज को क्योंकि मैं सारी बातें जो हैं वो शराफ को बता दूंगी कि आपका ये जो नौकर है ये गौर ये कितना झूठा मकार और बेईमान है लेकिन पॉलिकॉर्पिच बड़ा ही जेंटल बंदा होता है वो उसको कहता नहीं ऐसा नहीं करेंगे लेकिन बीच में बैकग्राउंड में क्या होता है कि जराज सिंह ये सारी बातें सुनता है वो बड़ा ही नेक जेंटल किस्म का इंसान है उसके दिल को जैसे डैगर्स छियाँ उसके दिल पे चलती हैं वो ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर पाता है कि मेरे यहाँ जॉब लेने से एक बुज़ुर्ग और उसकी वाइफ को घर छोड़ के सड़क पे आना पड़ेगा मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए वो जॉब छोड़ जाता है रिफ्यूज़ करता है और इसी तरह पसंद करता है कि वर्ग लेस ही रहूँ ठोकरे खाऊँ लेकिन किसी के रिजिक को छीनना नहीं चाहता है तो इस तरह ये स्टोरी ख़त्म होती है और ये जो येगोर डैनलिच है ये मान लीजिए कि बिल्कुल कंट्रास्टिंग दो आपको यहाँ पे करेक्टर्स मिलते हैं जो दोनों एक ही गांव से आए हैं जरासिम और येगौर डैनलिच जरासिम एक फ्रिश्ता जैसा बंदा है लेकिन येगौर डैनलिच इज़ ऑल टुगेदर अपोज़िट ऑफ द को वो शैतानी क्वालिटीज़ उसमें सब है तो इस तरह ये स्टोरी ख़त्म होती है तो चलिए हम इंग्लिश में अब इसको पढ़ते हैं और समझ की कोशिश करते हैं कि आप लैंग्वेज को कोशिश कीजिए कि आप उसको रिसीव करें और अपने आप की जो कैपेसिटी है ट्राई टू क्रिएट दैट टू लिसन प्रॉपरली एंड ट्राई टू कॉम्प्रहेंड वट एवर आई एम टेलिंग यू ओके So, dear students, Jerasim was without a job. The story begins like this Jerasim was without a job and looking for a new one. He had gone to work as a bottle washer in a brewery at the time when he was still a mere boy, and later as a lower servant in a house. For the last two years, he had been working in a merchant's house and would still have held that position if he had not been called back for military service to his village. However, he had not been drafted, I mean, selected. He returned to Moscow and stayed with relatives in France from his village. He went to his friends to help him. He went to his friends to help him find a job. It was becoming more and more irksome every minute for him to trample the streets in idleness. He left no stone unturned in his efforts to achieve some kind of job.